चलिए इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कहाँ से कैसा आता है, चलो देखते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट है, 500 ml सोडा वाटर दिया गया है, जबकि मोल ऑफ सोडा वाटर निकालने के लिए हमें ग्राम में चाहिए वाटर, है ना। तो यह ऑटोमेटिक आपको अंदर, क्योंकि कुछ है ही नहीं बच्चों यहाँ पर, और कोई है ही नहीं, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कुछ है ही नहीं, नहीं दी गई डेंसिटी वाटर की माननी पड़ेगी आपको, वन ऑटोमेटिक है, एनसीईआरटी का कहना है, तो आपको माननी पड़ेगी कि वन डेंसिटी है, तो 500 ml 500 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वी नो दैट, वी नो कम से कम हेनरी के पूरे न्यूमेरिकल साथ सॉल्व हो जाए, वी नो दैट। तो पी गैस जो कि यहाँ CO2 है, आप चाहो तो CO2 लिख सकते हो, इक्वल KH इंटू XG। तो बच्चों जो ये NCO2 है ना, या ये WCO2 है, वो यहाँ छुपा हुआ है, तो पहले इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये दोनों चाहिए, और ये दोनों हमारे पास है, सेम यूनिट में चाहिए, नहीं थे सेम में कर लिया हमने, ठीक है। चलिए पहले एक्स जी निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो पी गैस नीचे रहेगा, सॉरी ऊपर रहेगा, पी गैस के एच नीचे आ जाएगा, पी जी की वैल्यू पास्कल वाली रखनी है, 2.5 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। के एच की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, पास्कल पास्कल कैंसिल, यूनिट कुछ भी नहीं आएगी, देखो 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 10 की पावर 3, 10 बस 3, तो इसको सॉल्व करो क्योंकि कुछ बच्चों ने कर लिया है, बताओ प्रांजल 151.10⁻¹⁵ जे आ गई हमारी सॉल्युबिलिटी, हाँ अच्छा। और बच्चों सॉल्व करो, फॉर्म तुम्हारा कितना आया, 1.29 × 10³ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, सॉल्व करो बच्चों बाकी लोग। तो देखिए 2.5, एक काम करते हैं इन डेसिमल्स को हटा लेते हैं, ठीक है। चलो तो इन डेसिमल्स को हटा लेते हैं, यहाँ से एक और यहाँ से तीन, जैसे बहुत जल्दी हो तो ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर सकते हो आप, 1.013 = 1 आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों, आप चाहो तो नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 1.013 = 1 ये लगभग 1 के इक्वल है, और 1 से करोगे तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। 1 और 3 0 यहाँ, तो 10 की 4 0 आ जाएंगे, मतलब 10 की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ से डेसिमल हटा दे तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 2, कुल मिला के 7, 5 2 7 और यहाँ 8 है, ए और ए कैंसिल, यहाँ बचा 10 की पावर 1, तो ए 10⁴ 10⁵ ऊपर जाया, 10⁵ अब है 2.5 × 1013 / 167
या तो 167 से किसी को डिवाइड कर लो, पहले इन दोनों में से कोई एक वैल्यू डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, यही सही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वो सही नहीं रहेगा। तो 167 से 25 को डिवाइड करना सही नहीं रहेगा, 1013 को करते हैं डिवाइड, ठीक है, ये बेटर रहेगा। 1013 बच्चों एक आप लोग कर लिए करो जल्दी जल्दी, कैलकुलेशन टाइम वेस्ट होता है, सब लोग कर लिए करो। हाँ तो ठीक है, आंसर तो वही आएगा, उससे क्या दिक्कत है। 167 103 1013 कितने बार है, 7 ज़्यादा हो गया, 6 7 4 टाइम्स, यस यस यस, लेट्स सी, 167 इंटू 4 7 28 4 by 2 4 6 24 और 2 26 की 6 2 4 1 2 और टाइम जाएगा, कोई बात नहीं रंजन, गलती तो होती रहती है। 6 टाइम चला गया, 6 टाइम में 1002 कितना, 1002 बहुत बढ़िया, यही तो अच्छा हुआ है, साइड में कर लो इसको, तो 6 टाइम में आ गया 1002 1002 113 से कर दो कैंसिल, तो बची 11 11 बची, अब 11 बची ऊपर और आपके नीचे अभी 167 से आप डिवाइड कर रहे हो, कर लो और कितने टाइम जा रहा, 0 लगाओ यहाँ तो ये 0 नहीं जाएगा, 0 100 अब 7 टाइम जा रहा, ओके चलिए फाइनली आ गया 25 × 6.06 और 10 इनवर्स 5 वैसे ही रहने दो, कर लो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई 25 × 6.06 को। हमेशा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने की कोशिश किया करो बच्चों, ना वन फिफ्टी तो यहाँ दिख रहा, 150 यहाँ दिख रहा, डेसिमल को अरेंज कर लो, सबको करना है सॉल्व, सौम्या कर रहे हो, कितना 151 अब हम ही कर 6.0 सबको 25 की टेबल सबने अलग अलग याद की क्या, 25 6 150 कैरी फॉरवर्ड 25 0 0 15 कैरी फॉरवर्ड 25 6 150 कैरी फॉरवर्ड 1 जोड़ कर दो 151 डेसिमल कितना है 2 के बाद 151 151.50 10 इनवर्स 5 ये आया था प्रांजल का, तुम्हारा 6 आया, वो हमने कान पे तो 25 की टेबल गलत, पहले के आंसर की बात कर रहे हो, 151.6 रैंडम अप्रोक्सीमेट किया था क्या, हमने और एग्जैक्ट मतलब ऐसे किया था, हमने तो कहूं अप्रोक्सीमेट माने नहीं है, एग्जैक्ट हमने भी कोई सर, हां सर अगर 10 इनवर्स 3 ले लो तो यहां 1.51 होता है, हां बिल्कुल हो सकता है, कितना 10 इनवर्स 3 ले लो तो 1.5 बनो, हो क्या सकता है, मैथ है बिल्कुल सही है ही, उसमें क्या है, तो मैथ है आप बिल्कुल कर सकते हो, तो आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो, अभी तो और सॉल्व करना ना, तो अभी करेंगे बिल्कुल सही, इसमें हम क्या कोई नहीं छेड़छाड़ी कर सकता, कौन गलत कर सकता है, 5 डेसिमल हटा दो तो 5 0 किसका दो,
एक हटा दो तो एक खिसका दो, तो मैथ है ये तो आपकी, इसमें हम कुछ नहीं भैया, हम बोल भी नहीं सकते, मैथ वाले गुस्सा हो जाए। भैया आ गए एक्स जी तक, एन तक चलो अब ऐसे या कैलकुलेशन, बताओ पेपर में चार दे दे न्यूमेरिकल्स पेपर एंड। तुम लोग बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो, हमें मत करवाया करो सॉल्व। चलो x गैस निकल गया, अब हम करते हैं h। x गैस जो होगा वो होगा n गैस जो कि CO2 है, n गैस जो कि CO2 है, और n सॉल्वेंट जो कि वाटर है। बिकॉज जो n गैस है वो हमारी NCO2 है ना, लेस सॉल्यूबल है, लो सॉल्यूबिलिटी है इसकी, है ना, लो सॉल्यूबिलिटी। तो ए वाली जो n गैस है, आप CO2 लिख सकते हो बच्चों हर जगह गैस या CO2 से, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो x गैस इक्वल NCO2 मतलब n गैस और n वाटर। इसको नेगलेक्ट मत कर लिया ना, अब हमें चाहिए n गैस मतलब क्वांटिटी ऑफ CO2 चाहिए, n गैस जो कि हमारी CO2 है ना। तो x गैस इंटू n मोल ऑफ वाटर। अब बच्चों हम मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, यहाँ मोल ऑफ वाटर है ना, तो जो इस मास ऑफ वाटर चाहिए और मोलर मास ऑफ वाटर चाहिए, है ना। मास ऑफ वाटर हमें कुछ यहाँ उनको बताने की जरूरत नहीं है, FN बट करके ठीक है 500 ml दिया गया, ऑटोमेटिक कंसीडर करना है ठीक है। तो ये 500 ग्राम और 18। अच्छा हमने मोल ऑफ वाटर 1000 ml में निकाल चुके हैं, 1000 के केस में कितना आया था 55.55, तो ये आधा वाला खेल है, आधे कर दो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, 55 का हाफ हो जाएगा 27.77 ये निकल आए बच्चों मोल ऑफ वाटर ठीक है। एक्स गैस निकल आई और मोल ऑफ वाटर। तो देखिए एक्स गैस की वैल्यू कितनी आई थी बोलना एक बार, 1.50 इंटू 10^5 मल्टीप्लाई बाई 27.77 लिख लो बच्चों, या 27.8 भी लिख सकते हो आप राउंड ऑफ करके, है ना। ये तो मैथ है बच्चों, इसमें आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो आंसर में 0.1-0.2 का डिफरेंस तो आए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर आ गया हमारा मोल ऑफ CO2 निकल आए 27.77 का 1515 में मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे जब मल्टीप्लाई किया करो करो ना, तो डेसिमल डेसिमल साइड में कर दिया करो, या और छोटा करना तो इसको 0.8 मान लो, 151.5 का मल्टीप्लाई करो बच्चों 27.77 में जल्दी, कितना आ गया 419.3 27 इंटू 10^-5। मोल की यूनिट क्या आएगी मोल, अब यहाँ से भी चेक कर लो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, और यहाँ यूनिट वाटर के मोल की यूनिट आई मोल, है ना, ये इतने मोल होते हैं, और कर लो क्रॉस चेक गलत भी हो सकता है अभी। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा, दिस इज द आंसर, बट और डीप जाना है तो हम उसको लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे, चेक भी करते कौन सा क्रॉस चेक। अब किसी को डेसिमल पीछे खिसकाना है साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो 4.1 कर दो, वहाँ 10^3 हो जाएगी।
हाँ रितु कर लो, अच्छे से कर लो सॉल्व, आराम से कर लो, कोई बात नहीं, हम रुके हैं ना। ठीक है, 4.1। ठीक है चलो, कोई बात नहीं बच्चों, गलतियाँ होगी, बस एग्जाम में ना हो, इसलिए अभी अभ्यास करना है। यहाँ गलतियाँ हो रही, कोई दिक्कत नहीं, उसको दूर करो प्रैक्टिस से। अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब आप दोबारा शुरुआत करते हो ना, तो आपके पास अनुभव होता है कि पीछे हमने कौन सी गलती की थी, उससे आपको फ़ायदा होता है। तो गलतियों से डरना नहीं, वो तो आपका अनुभव है, आपको सिखाएंगी। ऐसा कोई ब्रह्मांड में है कोई इंसान जिससे गलती ना हुई हो? कोई नहीं है बच्चों। ये आ गया आंसर हमारा, यही चाहिए था हमें। अब मान लो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, मतलब डेसिमल को 1 पॉइंट तक ले जाओ। तो देखो कितने जीरो पीछे खिसका रहे हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ 10 इनवर्स 2 हो जाएगा, तो मोल ऑफ गैस इक्वल हो जाएगा 4.2071555 10 इनवर्स। देखो कितना खिसका है पीछे, 1, 2, 3 कम कर दो, 2। ठीक है, यूनिट मोल, क्योंकि ये वोटर यूनिट मोल, भैया यूनिट यूनिट लिखा करो ना। दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू NCERT। अब और डीप जाना है, मान लो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गए, उसने NCERT को थोड़ा और टफ बनाया, उसने मास क्वांटिटी को मास के टर्म में पूछ लिया, तो उसे भी कर लेते। पहले हम एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे आंसर। तो इसमें आंसर में लिखा है 0.042 मोल। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है आंसर में, इसमें इसमें जो मोल ऑफ CO2 लिखे हैं वो लिखे 0.042, यस यस 0.042 मोल, सही है। ये 10 इनवर्स 2 और हटा दो तो ये तो आपने सुपर कंप्यूटर सॉल्व कर दिया, उसमें तो 0.042 है, आप तो और लो 0.042 और जीरो लो, फिर 7 लो, फिर 1 लो, फिर 5 5। चेकर को डाउट हो जाएगा, कैलकुलेटर लेके बैठे हो, सही है। वैसे लिख लो बच्चे, 2 और हटा दोगे तो आंसर आ गया हमारा, ये फाइनल आंसर है NCERT के अकॉर्डिंग। लेकिन मास के टर्म में पूछ लेता तो एक्स्ट्रा भी करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मास के टर्म में, तो गैस जो कि CO2 है हमारी, है ना, यहाँ पर जो कि CO2 है, तो हमें क्या चाहना पड़ेगा, इसी CO2 का मास और CO2 का ही मोलर मास। तो मास के टर्म में अगर हम अमाउंट, ये अमाउंट निकला है हमारा अमाउंट, लेकिन मास के टर्म में अगर अमाउंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास के टर्म में निकाल लेते हैं ये लोग CO2, तो मोल CO2 इंटू मोलर मास CO2। मोल CO2 कितने आए, 4.2, से बोलो मैं, ठीक है इतना ही रखते हैं, ठीक है इससे ज़्यादा नहीं, और भी बहुत बड़ा नंबर है, रखना हो तो रख लो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितना, 10 वर्स, और अब इनटू करते हैं मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ CO2 निकालते, एक सी का 12, एक ही सी है, एक ऑक्सीजन का तो 2 का 32, ये आ गया 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास में से ग्राम पर मोल में होता है, ग्राम में लिख लूँगा, मोल से मोल कैंसल, यूनिट आ गई ग्राम में।
ये लो बच्चों, दिस इज द आंसर। तो ये निकाला है मास ऑफ CO2 के टब में 4.2 को मल्टीप्लाई कर लेना 44 से, आंसर आ गया। ठीक, चलो, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बढ़िया मस्त है। अब इसको घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। घर में जाके थोड़ी टेबल वगैरह याद कर लो, 1 से लेके 20-30 तक। अभी 19 की पूछ ले तो शायद बहुत ही लोग सुना पाए। सुन लें क्या? पता है भूल गए हो गए, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हो गए क्योंकि दिमाग तेज हो गया। लेकिन टंग पे होनी चाहिए ना, कम 30 तक तो टेबल टंग पे होनी चाहिए। सो हम अच्छे से अभ्यास। टोटल हेनरी के 3 न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं एनसीईआरटी में, एक इन टेस्ट में पड़ा हुआ है, वो आता नहीं है, मन होगा तो वो भी करा देंगे, सॉरी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पे रोक सकते हो, यहाँ पे रोक सकते हो। 4.207155 को हमने सिर्फ इतना लिख दिया, 4.207। आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये बहुत प्रीसियस क्वेश्चन से अच्छे से इनको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एबीएमपी बोर्ड 2019 में आ चुका है, 2019। लिखिए बच्चों, चलो चलो हल्ला नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। इफ N2 gas is bubbled, बुलबुले के थ्रू निकलती है, थ्रू वाटर। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, देखिए हेनरी लॉ में टेम्परेचर दिया जाए ना, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर का कहीं रोल नहीं दिया गया इसमें। जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट दिया जाता है ना, उसका टेम्परेचर से रोल होता है, तो वो तो आपको दिया ही है, तो क्या दिक्कत है फिर अपन को। फुल स्टॉप। हाउ मैनी मिलीमोल्स, ओह माय गॉड, फंसा लिया। मोल्स पूछ लेते तो ठीक है, मिलीमोल्स, अरे भैया क्या दिक्कत है, किलोग्राम पूछ ले, ग्राम पूछ ले, हम ग्राम को किलोग्राम में ले जाएंगे, किलोग्राम को ग्राम में, मोल आ गए तो मिलीमोल में हम ले जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल मिलीमोल में चले जाएंगे। हाउ मैनी मिलीमोल्स, अगर आप लोगों को आते हैं कन्वर्जन तो क्या दिक्कत है। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas, पहले तो मोल निकालेंगे तब मिलीमोल तक पहुंचेंगे ना, ऑफ N2 gas विद डिजॉल्व्ड वुड डिजॉल्व, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। अरे वाह, ये आया मजा, 1 लीटर दे दिया, हम बहुत खुश हुए, सीधे सीधे 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर क्वेश्चन मार्क। अज्यूम करो, मान रहे अज्यूम दैट एग्जर्ट्स मतलब बच्चों अप्लाई करती है, रिलीज करती है, एग्जर्ट्स अ पार्शियल मतलब उसका खुद का, अ पार्शियल
0.987 बार। अब ये क्या होगा, प्रेशर ही होगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद द के एच फॉर, द के एच फॉर एन टू एट 293 केल्विन। बच्चों अब आपको हमारी ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि दो न्यूमेरिकल हमने लगा लिए। एज 76.48 बार। बच्चों इसमें मिसप्रिंट है, केल्विन बार लिखा हुआ है, केल्विन तो कोई यूनिट ही नहीं होती, 48 बार, ठीक है। चलो बच्चों मिली मोल्स ऑफ एन टू निकाल लें। बच्चों मिली की तो चिंता ही मत करो, पावर 3 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले मोल्स ऑफ एन टू निकालो, और मोल्स ऑफ एन टू निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और एन टू के केस में इसको निकले, तो इसको निकालें और इससे मल्टीप्लाई करें, तो मोल ऑफ एन टू निकल के आएंगे, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो क्या निकल आएंगे हमारे मिली मोल्स निकल आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ से गिव इन एन टू गैस बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ एन टू गैस वुड डिसॉल्व इन ए। बच्चों यहाँ पर 1 लीटर वाटर है ना, इन 1 लीटर वाटर। अज्यूम दैट एन टू गैस एग्जर्ट पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है, पार्शियल जीरो प्रेशर ही आप जानते हो, तो एन टू गैस का प्रेशर दे दिया गया हमें, पी गैस दैट इज एन टू 0.987 बार। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो 0.99 बार भी लिख सकते हो। के एच दिया हुआ है, दोनों की यूनिट बच्चों सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, 760.48 बार। किस्मत से एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन में दोनों ही बार में दी गए, तो सबसे हमें निकालने मिली मोल्स ऑफ एन टू है ना, मतलब ये एन और जो गैस है हमारी वो एन टू है, इसके मिली मोल्स निकालने हैं, मिली मोल ए हमें डिटरमाइन करने हैं। मिली मोल्स ऑफ एन टू निकालना है, मिली मोल ऑफ एन टू हमें निकालने हैं, तो पहले मोल ऑफ एन टू निकाले, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली मोल हो जाएगा, और मोल छुपे हैं एक्स में, तो पहले बच्चों एक्स गैस निकाल लो। चलो सब लोग अब फिर से बच्चों जब हम मोल ऑफ वाटर निकालेंगे ना, तो वाटर हमें चाहिए था ग्राम में, लेकिन वाटर यहाँ हमें दिया लीटर में, तो 1 लीटर मतलब कितना, 1 किलोग्राम दैट इज 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में कितने मोल होते हैं ये बच्चों, हम कहाँ पे करवाया था ये हमने, ध्यान है, मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर उसमें ही कराया था, अनामिका पता है, कल आपको भी ये वाला समझाया था। देख लो बच्चों बिल्कुल चींटी की चाल से चल रहे, इसलिए आराम से बिल्कुल समझते जाना न्यूमेरिकल्स है ना। बी नो दे या फिर ले सकते हो फ्रॉम हेनरी लॉ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इतनी सी जगह में कर लेते हैं सॉल्व, लेकिन ये तो बोर्ड एग्जाम है, यहाँ तो लिखना पड़ेगा बच्चों। वी नो दैट लिख लो या फिर फ्रॉम हेनरी लॉ से लिख लो, पी गैस इक्वल के एच गैस का, और एक मोल फ्रैक्शन गैस का, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन गैस, तो पी गैस डिवाइडेड बाई के एच गैस से, जो कि हमारी एन टू है, आप चाहो तो जी की